भारतीय इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगम की अवधारणा पर। तो आइए समझते हैं आगम क्या होता है। इससे पहले हमने लागतों को समझ लिया है, और लागतें क्या होती हैं हम ये भली भांति जानते हैं। लागतें जो होती हैं वह किसी वस्तु की कीमत के निर्धारण में एक आधारभूत या एक आधारशिला का काम करती हैं। किस प्रकार से, ये हम पिछले वीडियो में, या ये कहें कि पिछले जो हमने सेशन लिए हैं जिसमें हमने लागतों को पढ़ा है, उसमें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन पैदा होता है, पहले उसको दूर करना है। जैसे कि एक शब्द हमें मिल रहा है यहाँ पर आगम, और पहले हम पढ़ चुके हैं लागत, और एक चीज और होती है जिसे हम लाभ कहते हैं। तीनों शब्दों का हमें यहाँ पर अर्थ अच्छे से क्लियर होगा तो हम आगे अच्छे से समझ पाएंगे। लागत क्या होती है, इस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। लागत किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के निर्माण में हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन साधनों के प्रयोग में जो खर्च आता है उसे हम लागत कहते हैं। और लागत, अब यहां पर हमें लाभ और देखना है कि लाभ क्या होता है। लाभ क्या होगा, मान लीजिए हम किसी वस्तु की बिक्री करते हैं, जिस भी वस्तु का हम निर्माण करते हैं उसे हम बाजार में बेचते हैं। यदि लागत उसकी, मान लीजिए कोई वस्तु है उसकी 5 रुपए की लागत है और उसे हम 8 रुपए में बेच देते हैं, तो ये लाभ क्या होगा, 8 रुपए माइनस 5 रुपए, जो 3 रुपए निकल कर आएगा ये क्या होगा, लाभ होगा। क्योंकि 5 रुपए तो हम उसमें लागत लगा रहे हैं साधनों के प्रयोग में, तो लाभ क्या कहलाएगा, जो 3 रुपए हमारे पास शेष बचेगा। अब यहां पर आगम जो शब्द है, आगम शब्द क्या कहता है, आगम से आशय किसी फर्म या उत्पादक के द्वारा वस्तु की बेची गई कुल मात्रा के बदले प्राप्त कुल राशि होती है। मतलब कि इसमें लाभ भी शामिल होता है, और आगम जो होता है वो जिसे हम कुल बिक्री समझ सकते हैं। सीधा सीधा अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पर, कि जो आगत है या आगम है ये क्या होता है, जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं और जो उत्पादन हम बाजार में बेच रहे हैं उसके बाद जो हमें धनराशि मिल रही है उसे हम आगम कह सकते हैं, उसे लाभ नहीं कहेंगे। लाभ क्या होता है, उसमें से हम लागतें घटा देंगे तो फिर लाभ निकल के आएगा। यहाँ पर केवल बिक्री कर रहे हैं और बिक्री से जो पैसा हमें मिल रहा है, जो राशि हमें प्राप्त हो रही है, उसे हम आगम कहते हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया। इसकी परिभाषा भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इसी प्रकार से दे देनी है। आगम से आशय किसी फर्म या उत्पादक के द्वारा वस्तु की बेची गई कुल मात्रा के बदले प्राप्त जो राशि है उसे हम आगम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जो आगम है इसे हम आर्थिक विश्लेषण में 3 दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन करते हैं, या फिर ये कहें कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत 3 प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। जिस प्रकार से हमने लागतों को पढ़ा हुआ है, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, ठीक उसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट इसका है। जो कॉन्सेप्ट हमने लागतों में लगाए थे कि कुल लागत क्या होती है, औसत लागत क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, कॉन्सेप्ट वो ही यहाँ पर काम करेगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट पहले लागतों पर काम कर रहा था, अब वही कॉन्सेप्ट किस पर काम करेगा, आगमों पर, मतलब कि बिक्री पर। चलिए समझते हैं। कुल आगम हम सबसे पहले समझेंगे, कुल आगम क्या होता है। तो कुल आगम की पहले हम परिभाषा देखें। एक फर्म अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा को बेचकर जो कुल मौद्रिक राशि प्राप्त करती है उसे कुल आगम या फिर TR कहते हैं। TR का मतलब है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसे हम टेबल के द्वारा समझें। ये क्या है, वस्तु की बेची गई इकाइयां, मतलब कि वस्तु की मात्रा। अब मान लीजिए हमने 1 इकाई बाजार में बेची है, और इसे बेचने पर हमें मान के चलिए 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 1 इकाई हमने बाजार में बेची है और 10 रुपए का इसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, आगम कहेंगे कि 10 रुपए की बिक्री हुई है। 1 इकाई उत्पादन किया, 10 रुपए की बिक्री हुई, ये हमारा कुल आगम हुआ। अब एक चीज और ध्यान रखना, हम एक यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण कर लेते हैं कि जो भी हमारी इकाई है, जो भी हमारी वस्तु है जिसे हम बेच रहे हैं, उसकी कीमत हम फिक्स कर लेते हैं 10 रुपए है। कितनी कीमत है, 10 रुपए उसकी वस्तु की कीमत है। अब इसी आधार पर हम ये पूरी टेबल बनाएंगे।
एक इकाई में जी मतलब कि एक वस्तु में जी तो 10 रुपए हमें प्राप्त हुए। अब नीचे इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एक फर्म अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा को बेचकर, निश्चित मात्रा जो भी उसने उत्पादन किया है वो पूरा नहीं बेचा है या पूरा बेच दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी मात्रा उसने बाजार में बेची है उससे जो मौद्रिक राशि उसे मिली है उसे कुल आगम कहेंगे, टीआर कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या दिया है, टीआर बराबर कुल बिक्री गुणा प्रति इकाई कीमत। प्रति इकाई कीमत दी है हमने, क्या मान ली है 10 रुपए प्रति इकाई कीमत है जिस भी वस्तु की वह बिक्री कर रहा है। अब एक यदि कीमत वस्तु बेचेगा तो उसकी कीमत आगम क्या होगा, 10 रुपए होगा क्योंकि प्रति इकाई कीमत कितनी है 10 है। यदि दो वस्तुएं बेचेगा तो प्रति इकाई कितना हो जाएगा टोटल आगम, तो प्रति इकाई कीमत से हम गुणा कर देंगे जो फॉर्मूले में है, तो 10 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 20। 3 वस्तुएं बेचेगा तो कितना हो जाएगा 30। 4 वस्तुएं बेचेंगे तो 40 और 5 वस्तुएं बेचेंगे तो 50। इस प्रकार से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, कुल आगम निकल के आ जाएगा। अब जो कुल आगम निकल के आ रहा है यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि हम कीमत स्थिर लेके चल रहे हैं, मतलब कि कीमत में कोई हेर फेर अभी नहीं कर रहे हैं। आपकी पुस्तक में जो टेबल दी हुई है उसमें कीमत कम होती जा रही है, पहले हम कीमत समान रख के कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद कीमत में परिवर्तन करेंगे। चलिए इतना हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया है, कुल आगम आ गया है। अब इसे यदि हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो ग्राफ पर ये किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये स्टेट व्यवहार करेगा। ये मान लीजिए वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहां पर हम ले लेते हैं उत्पादन की या वस्तु की कीमत ले लें और यहां बिक्री ले लें, तो ये 1 2 यहां कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहां पर 10 20 30 40 और ये 50। अब ये देखिए किस प्रकार से होगा, पहले पे कितनी बिक्री हो रही है 10 की, दूसरे पे 20 की, तीसरे पे 30, चौथे पे 40 और पांचवे पे 50। तो ग्राफ किस प्रकार से व्यवहार करेगा, इस प्रकार से ये सीधा बनेगा 0 से S। ये क्या हो गया हमारा, इसे हम कुल आगम वक्र कहेंगे। कौन सा वक्र कहेंगे, कुल आगम वक्र। यदि सेपरेट आपसे पूछा जाता है कि कुल आगम वक्र किस प्रकार का बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा, यदि कीमत स्थिर रहे तो। ये बात ध्यान रखना है हमेशा कि हम अभी क्या समझ रहे हैं, कीमत को स्थिर रख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए औसत आगम समझना है हमें, औसत आगम क्या कह रहा है, औसत आगम की परिभाषा देखिए, औसत आगम वस्तु की बेची गई मात्रा का प्रति इकाई क्या है, प्रति इकाई आगम कहलाता है। बेची गई मात्रा की जो भी जितनी भी मात्रा हमने बेची है, जितनी भी वस्तुएं हमने बेची हैं जिसका हमने उत्पादन किया है उसकी बिक्री हुई है, तो एक वस्तु की प्रति इकाई हमें निकालना है। प्रति इकाई मान लीजिए हमें 1000 रुपये प्राप्त हुआ और हमने 10 वस्तुएं बेची हैं, तो हम प्रति इकाई कीमत कैसे निकालेंगे, 1000 में 10 का भाग दे देंगे। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या क्या दिया हुआ है, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू बराबर कुल आगम जितना हमने बिक्री किया है, इसे आर कर लीजिए आप, कुल आगम बटे बेची गई वस्तु की इकाइयां या फिर मात्रा, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसे हम टेबल में निकाल लें। चलिए पहले हमने एक इकाई बेची, कितना आगम मिला हमें 10 रुपए का, हमें क्या करना है कुल आगम में भाग दे देना है बेची हुई इकाइयों का, तो ये कुल आगम है 10 और इसमें एक इकाई का भाग देंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा कुल आगम। फिर जब हमने 2 इकाइयां बेची तो कुल आगम प्राप्त हुआ हमें 20 रुपए, इसमें हम 2 इकाइयों का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये भी 10 आएगा और 3 का भाग देंगे 30 में तो ये भी 10 आएगा। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। अब यहां पर जो 10 निकल के आया है यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो वस्तु की कीमत रहती है वही औसत आगम रहता है। साधारण सा है, बिल्कुल आसान है कि जो वस्तु की कीमत रहेगी और जितनी बिक्री होगी, अब जितनी बिक्री होगी तो जिन वस्तुओं की से हम उसमें भाग देंगे तो प्रति इकाई कीमत ही निकल के आ जाएगी, तो भाई औसत आगम जो है वो क्या हो जाता है, वस्तु की कीमत के बराबर होता है। तो औसत आगम वस्तु की बेची गई मात्रा का प्रति इकाई होता है, प्रति इकाई औसत आगम कहलाता है। इतना समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ पर कैसे व्यवहार होगा, ग्राफ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट व्यवहार करेगा एक्स एक्सिस के समान, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई है।
अब यहाँ पर जैसे हमने ये लिया है, ये क्या है हमारी मात्रा जो हमने बेची है, और यहां पर हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, बिक्री को। तो यहां पर मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 ये हमने बिक्री कर दी है। अब ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो सभी पर 10 10 है, तो एक के इधर भी 10 की बिक्री हुई है, दो के इधर भी 10 की, तीन के इधर भी 10 की, चार के इधर भी 10 की, पांच के इधर भी 10 की, क्या हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस प्रकार से। ये क्या होगी AR, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का केवल अलग से ग्राफ आता है, तो वो इस प्रकार से व्यवहार करेगा, कब, जब कीमत स्थिर हो, कीमत एक ही हो तब जाके। इसके बाद क्या निकालना है हमें, सीमांत आगम। अब सीमांत आगम क्या होता है, सीमांत उत्पादन, सीमांत उपयोगिता, सीमांत लागत, ये कॉन्सेप्ट हम शुरू से समझते आ रहे हैं। अब सीमांत का मतलब क्या होता है, इसमें हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि अगली इकाई में से पिछली इकाई को माइनस करना है, तो क्या निकल के आ जाता है, सीमांत मात्रा निकल के आ जाती है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है, एम आर बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, इसे समझ लेते हैं आज, ठीक तरीके से समझा देता हूं ताकि बार बार समझाने की आवश्यकता ना पड़े। अब यहां पर ये देखिए, ये क्या है हमारी उत्पादन की मात्रा है, या ये कहें बेची गई, उत्पादन की बेची गई इकाइयों की मात्रा है। अब इन्हें हम क्या कर देते हैं, वैसे ये सीरियल में है, यहां पर एक और कॉलम बना देते हैं हम, क्रमांक, ये कर दिया क्रमांक दे दिया हमने, एक दो तीन चार पांच। अभी जो क्रमांक है इसको हम क्या बोलते हैं, एन, क्या बोलते हैं इसको, एन। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें, एम आर बराबर टी आर मतलब कि टोटल आगम, टोटल रेवेन्यू, एन माइनस टी आर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है। अब देखिए ये क्या है, सभी एन है, एक एन वन कितना है वन, एन टू, अब इसमें हमें देखिए इसमें देखना है कुल रेवेन्यू में टी आर प्रेजेंट करना है ना हमें टी आर, तो एन वन का टी आर कितना है 10, एन टू का टी आर कितना है 20, एन थ्री का टी आर कितना है 30। अब इसे हम फॉर्मूले में फिट करेंगे, देखिए जैसे कि हम मान लीजिए एन थ्री का निकालते हैं, एन थ्री का हमें क्या निकालना है, सीमांत रेवेन्यू, सीमांत आगम या फिर मार्जिनल रेवेन्यू, तो सीमांत हम एन थ्री का निकाल लें, ये क्या है, ये तो नंबर है, एन का सीधा सीधा मतलब क्या है नंबर, तो यहां तीसरे नंबर का यदि हम निकालें एम आर या फिर सीमांत आगम, तो क्या होगा, इसके आगे वाली जो कुल आगम है उसमें पहले हम उसको लिखेंगे, कुल आगम कितनी है यहां पर 30। अब देखिए इसमें से हम माइनस किसको करेंगे, टी आर को ही माइनस करना है, लेकिन कौन से वाले, एन माइनस वन, एन माइनस वन, अब ये कौन से एन का है, एन यहां पर तीसरा लिया था हमने, यहां पर एन कितना है 3, तो यहां पर माइनस कौन सा करना है 3 माइनस वन, 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2, मतलब कि एन टू को इसमें से माइनस करना है, तो एन टू को इस पर पीछे आ जाएंगे, कितना हो गया 2, और 2 पर कितना है 20, कितना आ जाएगा 10। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था अगली इकाई में से पिछली इकाई, बस वो ही हो रहा है, यानी 3 जो अगली इकाई है, और इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर देंगे, एन माइनस वन कर देंगे, तो जो पिछली इकाई है वो आ जाएगी निकल के, तो ये माइनस हो जाता है, तो वो फिर हमारा सीमांत जो मात्रा रहती है वो निकल के आ जाती है। अब चाहे वह उत्पादन की हो, सेम कॉन्सेप्ट उसमें रहता है, चाहे उपयोगिता की हो, सेम कॉन्सेप्ट उसमें रहता है, चाहे लागत में हो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, और ये क्या पढ़ रहे हैं हम आगम, तो इसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट है, अगली इकाई में से पिछली इकाई माइनस कर देंगे। चलिए निकालते हैं हम क्या, सीमांत आगम, तो ये क्या है, पिछली ये अगली इकाई है, यहाँ पिछली इकाई 0 है, तो ये 10 ही आ जाएगा। अब अगली इकाई में से पिछली इकाई घटाएं, 20 में से 10 घटाएंगे तो भी 10 आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो भी 10 आएगा, 40 में से 30 घटाएंगे तो भी 10, और इसमें से भी 50 में से 40 घटाएंगे तो भी 10 ही आएगा। अब यहां पर यदि हम गौर करें तो औसत आगम, सीमांत आगम दोनों कितने निकल के आ रहे हैं, 10 निकल के आ रहे हैं।
तो ये व्यवहार किस प्रकार से, इसी प्रकार से करेगा, सेम ग्राफ बनेगा क्योंकि जो उसके आंकड़े हैं वो भी सेम है। लेकिन ये चीज कब होगी, जब हम कीमत को स्थिर लेके चलेंगे। अब हम जरा पुस्तक की टेबल पर आते हैं। पुस्तक की टेबल देखिए आप क्या दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कुल आगम जो है वो है पहले 20, उसके बाद 36, 48, 56 और 60। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगा है, जब उत्पादक अपने जो उत्पादन है उसकी बिक्री बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है, उत्पादक वस्तु की जो कीमत रहती है उसे कम करता जाता है। अब कीमत कम क्यों करता है, इसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं किसमें, मांग में। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो मांग घट जाती है। अब उत्पादक को यदि अपना जो उत्पादन है उसकी बिक्री अधिक करनी है तो वो क्या करेगा, उसकी कीमत को घटाएगा, तभी जाके माल बिकेगा उसका। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट, अब जैसे हमने स्थिर कीमत लिया था, अब इसको भूल जाइए। अब यहाँ पर हमें टेबल में क्या समझना है, उत्पादन की बिक्री यदि बढ़ानी है तो फिर कीमत कम करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक इकाई पर जब एक इकाई की बिक्री की उत्पादक ने तो कीमत रखी कितनी, 20। अब यहाँ पर औसत आगम कितना आएगा, ये भी 20 आएगा। सीमांत आगम कितना आएगा, ये भी 20 आएगा, क्योंकि अगली इकाई कुछ है नहीं। अब इसके बाद दूसरी इकाई पर देखिए, इसने क्या कर दिया, उत्पादन जो बिक्री हुआ है वो कितना आ गया है, 36, मतलब कुल आगम 36 है दूसरी इकाई पर। तो पहली इकाई पर कीमत थी इसकी 20। अब यदि हम औसत आगम निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे 36 में, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। मतलब कि प्रति इकाई जो कीमत है उत्पादक ने कम कर दी है, कितनी बची है, 18। तीसरी पर देखिए, कुल आगम कितना है, मतलब कि कुल बिक्री कितनी है, 48। 3 का भाग दे दें इसमें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। जो 2 रुपए हैं वो और कम हो गए हैं कीमत में। अब प्रति इकाई कीमत कितनी बची है, 16। इसके बाद 56 है, फिर से भाग दे दीजिए 4 का, काट दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 14। मतलब कि जो उत्पादक है वह अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, इधर बिक्री बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, बिक्री बढ़ाने के लिए जो वस्तु की कीमत है उसमें कमी करता जा रहा है, क्या करता जा रहा है, कमी करता जा रहा है। इस कारण से जो औसत आगम है वो डिफरेंट आ रहा है हमें, लेकिन कीमत स्थिर होगी। तो जो पहले कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है क्या आया है, समान आया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, फिर सीमांत आगम है वो भी कम होगा, उसको किस प्रकार से निकालेंगे, अगली इकाई में से पिछली इकाई माइनस करके। तो यहां पर कितना था, 36, ये तो 20 ही आएगा पहले वाला, दूसरा निकालिए, 36 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 48 माइनस 36 करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2, 12, और ये कितना निकल के आ जाएगा, 8। यहां लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, और इसमें से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 4। ये नया वाला हमारा सीमांत आगम है, और ये पिछला वाला था जहां पर हमारी एक सी वैल्यू आ रही थी, 10, 10, 10, 10, और इसकी भी 10। मतलब जब कीमत हम समान रखते हैं उस समय जो हमें औसत आगम और सीमांत आगम प्राप्त होता है वह किसके बराबर होता है, वस्तु की कीमत के। और जब कीमत में हम कमी करते हैं तो अब यहां हमें गौर ये करना है कि जो औसत आगम घट रहा है वो तो जितनी हम कीमत घटाते जाएंगे उतनी ही दर से घटेगा, लेकिन जो सीमांत आगम है वो उसकी अपेक्षा ज्यादा कम हो रहा है। इसलिए अब इसका हम ग्राफ यदि हम देखेंगे, किसका ग्राफ, औसत आगत का और सीमांत आगत का, तो ये औसत आगत का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा और सीमांत आगत का इस प्रकार से, यानी सीमांत आगम का इस प्रकार से। ये हो जाएगा AR एवरेज रेवेन्यू, और ये हो जाएगा MR मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या होगा, औसत रेवेन्यू से नीचे होगा, औसत आगम से नीचे होगा। यदि इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि जो उत्पादक है वह कीमत को कम करता जाता है अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उस समय,
औसत आगम और सीमांत आगम वक्र किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो हमें सीधा सीधा लिख देना है कि यदि वस्तु की कीमत कम करता जाएगा उत्पादक, तो जो औसत आगम है उसका वक्र ऊपर रहेगा और दाईं तरफ गिरता हुआ रहेगा, और उसी प्रकार सीमांत आगम वक्र भी दाईं तरफ गिरता हुआ रहेगा लेकिन औसत आगम से नीचे बनेगा। क्या हो जाएगा? नीचे बनेगा। और यदि आप उत्पादक और वस्तु को की जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है उसको कम करता जाएगा, तो जो सीमांत आगम वक्र है ये क्या हो जाएगा? ये शून्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन ये जितनी कीमत रहेगी उतना ही रहेगा, ये ध्यान रखना। चलिए आज के लिए कॉन्सेप्ट इतना काफी है। अब हम कल ये समझेंगे कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम तीनों में क्या संबंध है, ये समझेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। छोटा सा हमारा और बचा हुआ है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे हम अगली वीडियो में क्लियर कर सकें।